वापस आ गया था मैं दादरा नगर हवेली वगैरह घूम के, और ट्रेन बिल्कुल खाली है देख सकते हैं आप, कल हम बैठे हैं पीछे तो चार लोग बैठे, डिब्बे में मुझसे 8 से 10 लोग हैं। इस गाड़ी का नाम है मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस, गाड़ी नंबर है 19426। ऐसा किराया आपको 70 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो भाई इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई मेट्रो, साकिना का मेट्रो स्टेशन है ये एक मेरे पीछे पूरा मुंबई है, इधर से दिखाते हैं तो बिल्डिंग नहीं देखेंगे। और ये देख लीजिए मेट्रो और ये घर बने बगल में, कोई चाहे तो अपने घर से अगर मेट्रो घूमना चाहे तो घर से पूछ जाए मेट्रो में। तो ये पीछे पूरा मुंबई है साकिना का। लेकिन भाई अगर कोई मानसून सीजन में मुंबई मुंबई ट्रैवलिंग करना चाहता है तो मत आए, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे अभी बारिश बंद हुई, फिर हम लगता शुरू हो जाएगी, फिर शुरू हो गए थोड़ी थोड़ी। टिकट ले ली हमने, बड़ी मुश्किल से बता पाई, विक्टोरिया टर्मिनस जाना है से साका नाकी से, जो भी दाम है 20 रुपये की यार ये टिकट पड़ी है, बड़े मुश्किल से समझ पाया हमें कहाँ जाना है। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ तक क्लियर जाती नहीं मेट्रो, आप घाट ऊपर चले जाइए, अच्छे खासे नाम है यहाँ पे साकी नाका घाट ऊपर, ये भैया साकी आ गए मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ चले जाइए मुंबई में आप बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देंगे पीछे आगे पूरे मुंबई में। ये देख लीजिए दिख रहे होंगे सब पीछे, काफ़ी बिल्डिंग है यार, शहर में बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंगों में शहर बसा हुआ है, ये भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, इतने बड़े अपने यहाँ बाथरूम होते हैं उतने तो यहाँ रूम है। मेट्रो में भी बहुत बड़ा हादसा हो गया है, इधर हम टिकट लेके खड़े थे तो एक बच्ची मेरे सामने है भाई मेट्रो में, प्रभु देख ले देख रहे हैं आप ये भीड़ लगी हुई है, किसी में जाने नहीं दे रहा है मेट्रो में, हम देखते देखते उसकी मम्मी भी उसके साथ थी, उन्होंने रोका कि नहीं पता नहीं, फिर उसने देखा ट्रेन आ रही तुरंत वो जम मार दी उसने, फिर उठा इसे सबको रोक दिया गया मेट्रो वहीं रोक दी गई, किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है मेरे सामने, कुछ एक दो लड़के दोस्त भी हो गए सामने, बाद में वो जो मम्मी थी उसके रोने लगी, पता नहीं कैसे क्या कूद गई लड़की थी, यहाँ पे कोई पूछ रहा है तो बता रहा है टेक्निकल इशू है, लेकिन क्योंकि बच्चा ये बता दें कि बच्ची को थी दबड़ा तबड़ी ना बच्चा इसलिए बता नहीं रहे हैं, लेकिन हमने देखा है आपके सामने आपके सामने बच्ची कूद गई है, उसके लिए 7-8 साल की थी, तो रोक दी गई है तो उसको निकाला ना जाए, रुक जाता हूँ।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दो, जो डॉर्मेट्री होती है इस टाइप की होती है। एक दो लोगों ने पूछा डॉर्मेट्री क्या होती है, इतने सस्ते में कैसे मिल जाती है। इस टाइप की डॉर्मेट्री होती हैं। एक्चुअली मैं बगल वाले डॉर्मेट्री में था, लेकिन वहाँ पर एक दिन के लिए मैंने बुक किया था, लेकिन वहाँ पर दो दिन मुझे रुकना था क्योंकि बारिश वगैरह बहुत हो रही है। तो उन्होंने बगल वाले में यार मुझे शिफ्ट कर दिया, अभी भी बारिश हो रही है। यहाँ बारिश लगातार चल रही है। यहाँ पे डॉर्मेटरी उससे काफ़ी अच्छी भी है। इसमें अलग अलग प्रकार के लोग भी हैं। यहाँ पे कई कंट्रीज़ के भी लोग हैं। ऊपर इधर ये खेती वाले लोग भी सो रहे हैं। इधर ये मूवी वूवी के लिए लड़का आया हुआ है, टाउन के लिए मुंबई है, तो मूवी के लिए काफ़ी है। और रसिया का भी है, टर्की के भी हैं, और कॉलेज का है। इधर कॉलेज के लोग कॉलेज का स्टार्टअप वगैरह वो दिखा रहे हैं यार, बारिश हो रहा है। कॉलेज के स्टार्टअप वगैरह भी मुझे भी काम कर रहा है। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियाँ हैं। बाकी इस टाइप का डॉर्मेट्री होता है, आप देख ही रहे हैं। मतलब एक रूम में लगभग 50 कमरे छोटे छोटे बना दिए गए हैं। जो रशियन वाले लड़की थी, एक और तरफ के 3-4 लोग, उनसे भी बातचीत हुई है। यूएसए के थे, उनसे भी बातचीत हुई। वो तो मूवी में काम भी कर रहे हैं, दंगल वगैरह में कर चुके हैं काम। दिखा भी रहे थे अमिताभ बच्चन का, फोटो भी थी, एडिट शूट कर रहे थे। दंगल मूवी में जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसके कोच बने हुए थे, और काफ़ी सारे मूवी में काम किया उन्होंने। बाकी इधर एक लगता था वो मूवी वगैरह के लिए आया हुआ है। फिर ये टर्की वाले भी मूवी के लिए आए हुए हैं, उनकी तो भी पहली मूवी तैयारी चल रही है। और असली लड़की के ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वो भी मूवी के लिए था। इधर ये स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं। जो बच्चे बच्चे क्या मतलब कॉलेज के लड़के लड़के हैं, उसमें भी जो भी काम कर रहे हो। तो इस टाइप से जब आप रूम ले लेते हैं तो आप किसी से बातचीत नहीं कर पाते वगैरह। डॉर्मेट्री के ऐसे फ़ायदे होते हैं कि आपको अलग अलग जगह से, अलग अलग यहाँ देशों के, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भाई हैं, यहाँ काम कर रहा है अपना। मतलब जितने भी बड़े शहर में गया हूँ, उनमें से सबसे खराब शहर कोई लगा है तो यही लगा है।